दिस न्यूज इज कोस्पॉन्सर्ड बाय एम ढूमने ज्वेलर्स 47C हिमालय एक्सीलेंस नियर पुलिस चौकी प्रताप नगर नागपुर। गोंदिया जिल्ह्यामध्ये राष्ट्रीय महामार्गावरील देवरी येथील आरटीओ चेकपोस्टवर ट्रक चालकाकडून अवैध रूपाने वसुली केल्या जात असल्याच्या बातम्या नेहमी ऐकल्या जात आहेत। मात्र या देवरी चेकपोस्टवर होत असलेल्या अवैध वसुली थांबविण्यास यावी याकरिता नागपूर महानगरपालिकेचे माजी नगरसेवक बंटी शेळके यांनी याविरुद्ध एल्गार उभारला असून नागपूरच्या मनसर चेकपोस्टवर आंदोलन केल्यानंतर आज त्यांनी देवरी चेकपोस्टवर आंदोलन करून ट्रक चालक यांना कोणत्याही प्रकारची अवैध वसुली केल्यास संपर्क करण्याचे आवाहन केले। आज विशेष म्हणजे कोणत्याही ट्रक चालकांकडून अवैध वसुली केल्या जात नसल्याचे आढळून आले। महाराष्ट्र टीव्ही 24 साठी ब्युरो रिपोर्ट गोंदिया। मनसर चेकपोस्ट, देवरी चेकपोस्ट, ये मनसर चेकपोस्ट, कुर्सापार चेकपोस्ट, केळवा चेकपोस्ट ये मध्य प्रदेश के सीमा पर लगी हुई है। उसी तरीके से यह जो देवरी की चेकपोस्ट है, देवरी की चेकपोस्ट या छत्तीसगढ़ की सीमा पर लगी हुई है। ये जो परमिशन है, हमने अनुमति मांगी थी, लेकिन अनुमति मांगने के बाद में यहाँ के संबंधित पुलिस स्टेशन ने और तहसीलदार का ये कहना था, संबंधित पुलिस स्टेशन का ये कहना था कि यहाँ पर बगल में बाघ नदी है, बगल में छत्तीसगढ़ लगता है, बाघ नदी के माध्यम से जो है नक्सल आपके धरने का औचित्य ये करते हुए यहाँ पर जो है कुछ न कुछ गलत चीजें यहाँ पर नक्सल ये कर सकते हैं। और उनका ये भी कहना था कि धारा 353 आपके ऊपर में लगी हुई है, आपने सरकारी काम में आपने बाधा लाया हुआ था, सरकारी काम में बाधा हम लोग नहीं ला रहे। एंटी करप्शन ब्यूरो जो है, एंटी करप्शन ब्यूरो पूरी तरीके से जो है बिका हुआ है और पूरा का पूरा प्रशासन, ये पूरा प्रशासन भ्रष्ट हो चुका है। इसलिए जो है ये देवरी बॉर्डर पर हमको अनुमति जो है, अनुमति अंदर तो बैठने की दी नहीं, इसलिए हम लोग यहाँ पर अनशन आज से हमारा चालू हो गया। आज जो है यहाँ से अनशन शुरू होने के बाद में हम लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी इनके में आर्मी भी चलते हैं, लेकिन जिस तरीके से ड्राइवर लोग जो है, ड्राइवर लोगों को आरटीओ के पाले हुए गुंडे, ये पाले हुए गुंडे उनको जिस तरीके से मारते हैं, तो ऐसे समय पर हम शहीद आजम भगत सिंह जी के मार्ग पर भी चलने के लिए उतारू हो चुके। और हम लोग जो है, हम लोग अभी उठने नहीं वाले, हम लोग रुकने नहीं वाले। हमारे सभी युवा कांग्रेस के साथी खुर्सापार, केवद, मनसर और ये देवरी चेकपोस्ट से मैंने अपना अनशन यहाँ पर जारी रखा हुआ है। अवैध वसूली जब तक इनकी आरटीओ की, भ्रष्ट अधिकारियों की बंद नहीं होती, भ्रष्ट अधिकारी या निलंबित नहीं होते, तब तक हम लोग 20 अप्रैल को यह अवैध वसूली एवं जो आरटीओ के अधिकारी जो है, भ्रष्ट अधिकारी और आरटीओ के अवैध वसूली के बारे में जो है, हमने मनसर की चेकपोस्ट पर 20 अप्रैल को हमने वहां पर भंडाफोड़ किया था। और भंडाफोड़ कर हमने ड्राइवर से लेकर और सभी नागरिकों को जागरूक कर ये दिखलाया था कि भैया देखो ये लोग अवैध तरीके की वसूली किस तरीके से करते हैं। उसके बाद में मेरे साथी तौसीफ खान और नयन तरोडकर, इनके ऊपर में धारा 353 के तहत हम लोगों को 8 दिन की जेल पास भी किया गया। जेल पास तो किया हम, बाकी सब लोगों का कहना था कि भैया एंटीसेप्टिक बेल आपने लिया था, लेकिन हमारा ये कहना था कि भैया हम लोग चोर और डकैत तो है नहीं, इसलिए हमने एंटीसेप्टिक बेल नहीं ली, हम लोग जेल पास हो गए। और जेल पास होने के बाद में आज यहाँ पर देवरी चेकपोस्ट से मैंने आमरण अनशन अपना इसलिए शुरू किया हुआ है कि ये पूरी तरीके से आरटीओ की चेकपोस्ट की है जो अवैध वसूली है। और भ्रष्ट अधिकारी जो है, खरमाटे हो गया, मोहड़ हो गया और उसके साथ में भुयार, ये जो भ्रष्ट अधिकारी है, भ्रष्ट अधिकारी को जल्द से जल्द जो है सरकार ने निलंबित करना चाहिए। निलंबित इसलिए करना चाहिए कि इनकी प्रॉपर्टीज़ पूरे गाँव को मालूम है, सभी को मालूम है, यूट्यूब पर है और हर जगह पर है कि ताजगांव में इनका बंगले है, इनके अगर देखा जाए तो 3-3 तनिष्क के डायमंड के इनके शोरूम्स हैं, इनकी पुणे के अंदर इनके फार्म हाउसेज है, करोड़ों अरबों रुपए के इनके फार्म हाउसेज है। तो इसलिए खरमाटे जैसी भ्रष्ट अधिकारी या निलंबित हो, भुयार जैसी, मोहाड़ जैसी जो भ्रष्ट अधिकारी है ये निलंबित हो, उसी तरीके से अवैध वसूली ये पूरी तरीके से बंद होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर आमरण अनशन का जो आगाज है, आमरण अनशन का आगाज युवा कांग्रेस के माध्यम से हमने किया हुआ है। और यह भ्रष्टाचार एवं अवैध वसूली के खिलाफ जंग लड़ने के लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं राहुल जी गांधी इनको, क्योंकि उन्हीं के निर्देशों पर हम लोगों ने ये जंग यहाँ पर हमने जारी की हुई है। उसी तरीके से मनसर के चेकपोस्ट पर हमारे साथी आकाश गुजर, वसीम शेख, सागर चौहान और तमाम हमारे साथी जो है वो मनसर की चेकपोस्ट पर भी वहाँ पर धरना देकर बैठे हुए। और यहाँ पर मेरे साथ में खासतौर पर देवरी के बॉर्डर पर भंडारा जिला युवक कांग्रेस के उपाध्यक्ष सोनू बैरागी जी, उसी के साथ साथ में हमारा विधानसभा अध्यक्ष आकाश ठावकर जी, नीलेश शिंदे जी, नयन तरवटकर जी, बाहेकर जी और नितेश भंडारकर जी, ये सभी जो साथी है, सभी साथी, तमाम ऐसे साथी, हमारा आनंद चिंचखेड़े, ये तमाम हमारे साथी जो यहाँ पर अनशन पर मेरे साथ में यहाँ पर बैठे हुए और इन्होंने यहाँ पर धरना दिया है। और जब तक ये अवैध वसूली जो है, ये अवैध वसूली जब तक ये बंद होगी नहीं, तब तक हम लोग, हमारा आमरण अनशन जो है, ये आमरण अनशन से उठने नहीं वाले हैं। और तमाम साथी जो बाकी के चेकपोस्ट पर जो बैठे हुए हैं, वो साथी वहाँ से धरने से उठने नहीं वाले हैं। आज अजब बात हुई कि देवरी के चेकपोस्ट पर आने के बाद में सुबह 7 बजे से हमारा यहाँ अनशन तो जारी ही है, अवैध वसूली अभी पूरी तरीके से बंद है, लेकिन खुद जो है, खुद
पीआई साहब, देवरी के जो पीआई है, देवरी के पीआई यहाँ पर उपस्थित रहने के बाद में अंदर उपस्थित थे, चेकपोस्ट के अंदर, यानी चेकपोस्ट के अंदर उपस्थित